So, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है और प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पारा बढ़कर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जहां गर्मी और लू की वजह से कम 25 लोगों की जान जा चुकी है। जहां लू की वजह से अभी तक हुई मौतें 2016 के बाद से सबसे अधिक है। जहां राज्य में हीट स्ट्रोक के लगभग 375 मामले सामने आ चुके हैं। सो क्या है अभी महाराष्ट्र का प्रेजेंट हाल और इस भीषण गर्मी का एक्चुअल रीजन क्या है? डिटेल्स में जाने से पहले और इस हीट वेव के केसेस को डिस्कस करने से पहले, नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ। पहले तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो लेट मी टेल यू कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के निगरानी अधिकारी के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पिछले 100 वर्षों में तापमान में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के साथ महाराष्ट्र में लू के कारण सबसे अधिक यानी 25 मौतें हुई हैं और कई अन्य लोग भी इससे पीड़ित हैं। जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि चंद्रपुर वैश्विक अस्पताल में से एक है जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हालांकि IMD ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून की संभावना है। हालांकि डॉक्टर प्रदीप जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने लोगों से पूरी सावधानी बरतने का आग्रह किया है। सो सोचने वाली बात यह है कि महाबलेश्वर, जिसे आमतौर पर ठंडा स्थान माना जाता है, वह भी इस बार तप रहा है। जी हाँ, जहाँ इस हिल स्टेशन पर पूरे राज्य के लोग गर्मियों के दौरान आते हैं टू एस्केप द हीट, मगर इस बार वहाँ मई की शुरुआत में ही 31 डिग्री सेल्सियस का तापमान देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इसके पड़ोस में स्थित पंचगनी में भी पारा 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। जब मार्च के अंत से राज्य के बड़े हिस्से में तापमान 35 से 46 डिग्री के बीच रहा है, वही विशेष रूप से राज्य के उत्तरी और मध्य भागों के अलावा मराठवाड़ा और विभर के पारंपरिक हॉटस्पॉट 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच उबल रहे हैं। जहाँ 25 हीट वेव मौतों में से 15 की रिपोर्ट विदर्भ से दर्ज की गई है, जिसमें 11 नागपुर में, 3 अकोला में और अमरावती जिले में एक मामला शामिल है। वेल, जब महाराष्ट्र में ये हाल है तो अब नॉर्दर्न स्टेट और आंध्रा का हाल तो इमेजिन कर भी नहीं सकते। जी हाँ, एंड दैट इज एक्चुअली एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट चेंज, राइट? सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट पसंद आया देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीएनपी हेल्थ। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी हेल्थ।